स्वास्थ्य और सौंदर्य के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य और सौंदर्य में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बालों में एलोवेरा जेल के साथ चाय पत्ती लगाने के कुछ बेहतरीन फायदों के बारे में। झड़ते बालों को रोकने और बालों की ग्रोथ को तेज करने के लिए एलोवेरा जेल का इस्तेमाल काफी फायदेमंद माना जाता है। एलोवेरा जेल में कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बालों को चमकदार और मजबूत बनाने में मदद करते हैं। एलोवेरा जेल में एंटी फंगल व एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो स्कैल्प में होने वाले संक्रमणों से बचाते हैं। नियमित अपने बालों में एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करने से बालों में प्राकृतिक चमक आ जाती है। इसके साथ ही बालों के लिए चाय पत्ती किसी वरदान से कम नहीं है। चाय पत्ती में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो बालों की ग्रोथ के लिए काफी फायदेमंद माने जाते हैं। नियमित अपने बालों में चाय पत्ती का इस्तेमाल करने से हेयर फॉल नहीं होती है। चाय पत्ती बालों को असमय सफेद होने से बचाता है, साथ ही उन्हें स्वस्थ, मुलायम, चमकीला एवं घना बनाए रखने में मदद करता है। तो फिर एलोवेरा जेल और चाय पत्ती को अपने बालों में कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। इसके लिए एक बॉल में 2 चम्मच एलोवेरा जेल ले लें। इसके बाद इसमें 2 चम्मच चाय पत्ती का पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसे अपने बालों में अप्लाई करें। सूखने पर पानी से बाल धो लें। वीक में 2 से 3 बार इस हेयर पैक को लगाने से काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। नियमित एलोवेरा जेल और चाय पत्ती से बने हेयर पैक का इस्तेमाल करने से हेयर फॉल में तो कमी आएगी ही, साथ ही बाल हेल्दी, सिल्की व शाइनी नजर आने लगेंगे। तो फिर आज आपने इस वीडियो में बालों में एलोवेरा जेल के साथ चाय पत्ती लगाने के कुछ बेहतरीन फायदों के बारे में जाना। आशा है आपको हमारा ये वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। हमारे नए नए स्वास्थ्य और सौंदर्य संबंधी जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि इसी तरह हम नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहें। धन्यवाद।